जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक सुरक्षा का भाव जिंदा होता है। हम जब सुनते हैं कि हमारे आसपास सेना और सुरक्षा बल के लोग तैनात हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आज पिछले एक हफ्ते से देश में जो हालात बने हुए, जो घटनाएं लगातार हो रही हैं पिछले हफ्ते से, उसे देख करके सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या जो इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, क्या वो सैनिक, क्या वो सुरक्षा बल सुरक्षित हैं? ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल हर उस व्यक्ति का है जो पिछले एक हफ्ते से हो रहे घटनाक्रमों को देख रहा है। जैसे कि रविवार को हुए जोधपुर आरटीसी सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में जो हुआ, जहां पर नरेश जाट नाम के एक जवान ने अपने ही आला अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार होकर खुद को गोली मार ली। दूसरी घटना पुंछ से सामने आई, जहां सेना के जवानों में आपस में भिड़ंत हुई, गोलियां चली और एक जवान वहां पर भी शहीद हो गया। तीसरी घटना भी जम्मू कश्मीर से ही आई और इस बार ये घटना उधमपुर से आई, जहां आईटीबीपी के जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चलाई और खुद को भी उसे गोली लगी और वो और उन्होंने मौत को गले लगा दिया। ये तीनों ही घटनाएं पिछले एक हफ्ते में घटी, लेकिन इस घटना के बाद ना ही सरकार ने कोई संज्ञान लिया, ना ही गृह मंत्री ने कोई संज्ञान लिया और ना ही प्रधानमंत्री को इस बात की कोई चिंता थी कि एक के बाद एक हमारे कई जवान इस तरीके से मौत की नींद सो गए। आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं जो आपको चौंका भी देंगे और आपको चिंतित भी करने पर मजबूर कर देंगे। ये आंकड़े पिछले एक दशक के हैं, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक के। इन आंकड़ों में जो बताया गया है, इन आंकड़ों में जो पेश किया गया है जिसे संसद में, ये वही आंकड़े हैं जो कि गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए हैं। ये आंकड़े मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में जो CAPF होती है, जिसे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन आता है? उसके अंतर्गत आता है CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल्स। ये छह ऐसी सेनाएं हैं, या कहें ये छह ऐसे बल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। CRPF आपको पता ही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका काम होता है आंतरिक सुरक्षा को देखना, आतंकवाद से लड़ना और तीसरे मोर्चे पर नक्सलवाद से लड़ना। ये तीनों जगहों पर काम करती है। BSF, जैसा कि आपको पता है, BSF मुख्यतः बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसलिए वो जो पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर ज्यादातर तैनात रहती है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होती है। SSB सशस्त्र सीमा बल, जिसे नेपाल और भूटान की बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। CISF आपको पता है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो कि हमारे जितने भी सरकारी, जो सरकार के उद्योग हैं, उनकी सुरक्षा करती है। और आखिरी है असम राइफल्स। असम राइफल्स भी जो है म्यांमार की सीमाओं को सुरक्षित करती है, और SSB जो है वो नेपाल और भूटान की बॉर्डर्स को सुरक्षित करती है। ITBP जो है वो भी इन्हीं सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे देश की नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो है वो इन्हीं जवानों के ऊपर रहती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं पिछले 10 सालों के, वो आपको देख करके, आप सुन करके चौंक जाएंगे। अगर मैं कहूं कि पिछले 10 सालों में इन्हीं CAPF के जवानों में से 81,007 जवानों ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है, VRS जिसको बोलते हैं, फोर्सेस की भाषा में इसको VRS कहा जाता है, मतलब कि जो एक टाइम लिमिट तय की गई है, जो एक उम्र तय की गई है रिटायरमेंट की, उससे पहले रिटायरमेंट ले ली जाती है, स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले ली जाती है।
81,007 जवानों ने, आप समझ सकते हैं लगभग हर साल 800 से 900 जवानों ने वीआरएस लिया है, यानी कि हर रोज 2 से 3 जवान वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं इन अर्धसैनिक बलों से, हर रोज। अगर ये आंकड़े आपको चौंकाने वाले नहीं लग रहे हैं तो एक और आंकड़ा मेरे पास है। पिछले 10 सालों में 15,904 सीएपीएफ के जवानों ने रिजाइन किया है, यानी कि सेवा से बिल्कुल उन्होंने मुक्ति ले ली है। 81,000 जवानों ने वीआरएस लिया था और 15,904 जवानों ने रिजाइन कर दिया 10 सालों में, यानी कि हर साल 1500 जवानों ने रिजाइन डाला है अगर आंकड़े देखे जाएंगे उस हिसाब से तो। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, हमें लग रहा होगा कि बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन ये जो टोटल सीएपीएफ की 10 लाख की जो सेना है उसका 10% है लगभग, और इसीलिए ये चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है अर्धसैनिक बलों में, क्या अंदरूनी कलह चल रही है जिसकी वजह से इतने सारे जवानों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है, रिजाइन डालना पड़ रहा है। और अब जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो सबसे दुखद है, सबसे दर्दनाक आंकड़े शायद यही है, और वो ये है कि पिछले एक दशक से इन्हीं सीएपीएफ के जवानों में से 1205 जवानों ने आत्महत्या की है। किसी ने अपने साथी को गोली मार के खुद को गोली मारी है, किसी ने खुद को गोली मार ली, किसी ने कहीं पर कूद करके जान दे दी, किसी ने फांसी लगा ली, ऐसे तमाम ढेर सारे 1205 मामले हैं जहां पर उन जवानों ने खुद की ही जीवन लीला समाप्त कर दी, जिन पर जिनके कंधों पर हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लेकिन इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो आत्महत्या करेगा वो खुद अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार तो नहीं हो सकता। कहीं से तो ऐसा हुआ है कि इन जवानों पर दबाव बनाया गया, और ज्यादातर हमने ये देखा है कि ये जो जवान हैं वो तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण ऐसे कदम उठाते हैं, चाहे वो मानसिक तनाव ड्यूटी का हो, 18-18 घंटे ड्यूटी जब लगती है किसी जवान की लगातार, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पर तनाव महसूस करता है। इसके बाद घर की परेशानी, मां की बीमारी, पिता का कुछ दिक्कत, घर की कोई दिक्कत, बीवी की, बच्चों की, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर के वो रोज जूझता है, और इसी के साथ इसी तनाव को लेकर के अपने दिमाग में वो ड्यूटी भी करता है। दूसरी अफसरशाही, हमारी इन अर्धसैनिक बलों में जो है अफसरशाही एक तरीके से हावी होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं अफसरों का सौतेला व्यवहार, अफसरों का गलत तरीके से व्यवहार करना जवानों के साथ, अफसर जो बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो जवानों को नौकरों की तरह समझते हैं, गुलामों की तरह समझते हैं, उनके लिए जवानों की कोई कीमत नहीं है। मैं सारे अफसरों की ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई है कहीं ना कहीं बहुत हद तक ज्यादातर मामलों में जवान दोष जो अधिकारी होते हैं वही दोषी पाए जा रहे हैं। जवानों से गाली गलौज करना, बदतमीजी से बातें करना, समय पर छुट्टी मांगने पर छुट्टी ना देना, कई बार बेइज्जत भी करना इन बातों पर, इन तमाम तनावों के बाद एक जवान 16-17 घंटे जब ड्यूटी करता है तो उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, और वो इन्हीं ख्यालों के चलते, यही ख्याल आगे चलते 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 एक तरीके से आत्महत्या की शक्ल ले लेते हैं। आपको मैं कुछ और आंकड़े बताता हूं कि किस सेना में कितने ज्यादा वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट्स लिए गए, किस सीएपीएफ की फोर्स से सबसे ज्यादा रिजाइन डाले गए, वो आंकड़े भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपके देश में आखिर हो क्या रहा है। आपको बता दूं बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें से 36,768 जवान जो हैं उन्होंने पिछले 10 सालों में वीआरएस लिया है, जबकि सीआरपीएफ में दूसरे नंबर पर है, 26,164 जवानों ने वीआरएस लिया है, सीआईएसएफ में 6,705 जवानों ने
वीआरएस लिया है। असम राइफल में 4,947 जवानों ने वीआरएस लिया है और एसएसबी में 3230 जवानों ने वीआरएस लिया है और आईटीबीपी में 3193 जवानों ने वीआरएस लिया है, यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है। अगर साल की बात करें तो 2011 में 11,260 जवानों ने वीआरएस लिया था, 2012 में 10,859 जवानों ने वीआरएस लिया और 2013 में 9,355 जवानों ने वीआरएस लिया, 2014 में 5,931 जवानों ने वीआरएस लिया, 2015 में 1,686 जवानों ने वीआरएस लिया, 2016 में 6,981 जवानों ने वीआरएस लिया और 2017 में 11,728, यानी कि पिछले पूरे एक दशक का जो सबसे हाईएस्ट था वो 2017 में लिया गया और वो था 11,728 जवानों ने एक साल में ही वीआरएस ले लिया। लगभग हर महीने उस साल 1,000 जवानों ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया। जहां हमारी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जवानों की कमी से गुजर रही है, अभी भी वहां जवानों की कमी पाई जा रही है, उसके बावजूद इतने भारी पैमाने पर जवान वीआरएस ले रहे हैं। आपको बता दूं 2018 में 8,132, 2019 में 7,611 और 2020 में 5,935 जवानों ने वीआरएस लिया। ये आंकड़े थे 81,007 जवानों के, जो सिलसिलेवार तरीके से 10 सालों में जिन्होंने अर्धसैनिक बलों से वीआरएस लिया है। अब बात करते हैं कि वो कौन से जवान थे जिन्होंने रिजाइन किया था इन्हीं अर्धसैनिक बलों में से। तो आपको बता दूं कि 2011 में उन 15,900 जो जवान थे, उनमें 935 जो जवान थे, उनमें से 1,122 जवानों ने 2011 में रिजाइन डाला था। 2012 में ये संख्या बढ़ करके 1,768 हो गई थी। 2013 में ये संख्या और बढ़ी और ये हो गई 2,332। 2014 में ये संख्या 1,931 हुई और 2015 में 2,026 हुई। 2016 में ये संख्या 1,144 हुई। 2017 में 1,535 हुई। 2018 में 1,673 हुई। 2019 में ये संख्या 1,364 हुई और 2020 में ये संख्या 877 है। ये वो जवान थे जिन्होंने रिजाइन डाल दिया, यानी कि अर्धसैनिक बल से अपनी सेवा से त्याग पत्र दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लगभग लाख जवानों के करीब पिछले 10 सालों में किसी ने सेवा से वीआरएस ले लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और किसी ने त्याग पत्र दे दिया। अगर मैं इन सब का मोटा मोटा एक कंक्लूजन निकालूं या फिर ये कहूं कि इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो ज्यादातर जवानों का कहना था कि अच्छी सुविधाएं ना होना, छुट्टी समय पर ना मिलना, छुट्टियां कम मिलना, जो तय छुट्टियां हैं उनसे कम छुट्टियां मिलना और ड्यूटी का लगभग 2 गुना करना। यानी कि अगर एक जवान को एक दिन में आप 12 घंटे ड्यूटी जो तय है वो करवाई जाए, उसकी वजह आप एक जवान से 18-18, 19-19 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि जो जवान है वो अपने घर के कहीं पास में ड्यूटी कर रहा है, अपने घर से हजार किलोमीटर दूर वो ड्यूटी करता है। तापमान कभी राजस्थान का एकदम से गर्म इलाका, कभी कश्मीर का ठंडा इलाका, कभी नॉर्थ ईस्ट का कोई बरसात भरा इलाका, ऐसी जगहों पर ऐसे हालातों में ये जवान काम करते हैं। छुट्टी नहीं मिलती, अधिकारियों का एक तरीके से हैरेसमेंट होता है, बहुत सारी जगहों पर अधिकारियों द्वारा तानाशाही की जाती है, जो अधिकारियों की चापलूसी करता है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और जो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है उसके साथ कई बार गलत व्यवहार किया जाता है। और यही कारण है कि कहीं जवान आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, तो कहीं जवान खुद को ही गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहे हैं। ये आंकड़े आज चिंताजनक नहीं है,
आपके लिए, लेकिन हमारे लिए हैं, क्योंकि इतने सारे जवानों का सेना से समय से पहले रिटायरमेंट लेना या अर्धसैनिक बलों से रिटायरमेंट लेना, रिजाइन डालना, और सबसे ज्यादा दुखद 1200 से ज्यादा जवानों का आत्महत्या कर लेना, ऑन रिकॉर्ड है ये। ऑफ रिकॉर्ड पे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सा, अर्धसैनिक बल हो चाहे सेना हो, इसमें एक बहुत कॉमन सी बात होती है कि अगर किसी अधिकारी को कोई सेना का जवान पसंद नहीं आया, या उसकी कोई बात पसंद नहीं आई, या उससे किसी बात पर वो नाराज है, तो सीधा उठा करके पहले ये कोशिश की जाती है कि उस जवान को पागल घोषित कर दिया जाए। और इसके लिए उन्हें बहुत समय नहीं लगता कि सेना के ही डॉक्टर होते हैं, सेना के ही अधिकारी होते हैं, और सेना का ही पूरा तंत्र होता है। इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होती किसी एक अच्छे खासे जवान को पागल घोषित करना, और वो भी सिर्फ इसलिए, क्यों? क्योंकि उसने अपने अधिकारी की चापलूसी नहीं की थी। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, बहुत सारे लोग आज भी केस लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। अभी तक बहुत ज्यादा किसी मामले में अधिकारियों को सजा नहीं हुई है। गृह मंत्रालय कहता है कि हमने बहुत सारी योजनाएं सेना में चालू की हैं, बहुत सारी स्कीम्स चालू की हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हम सेना के जवानों को या अर्धसैनिक बलों को सिखा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में योगा और ये सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन करना, ये सब कर रहे हैं। हमने 75 दिन की छुट्टियों को बढ़ा करके 100 दिन कर दिया है। हमने जो बॉर्डर पे तैनात जो जवान थे BSF के, उनके फैमिलीज को रखने के लिए अलाउ किया है 100 दिन के लिए। रोस्टर जो था वो भी हमने उसका समय बदला है, वो 6 घंटे का रोस्टर होता है, हर 6 घंटे में लगेगा, यानी कि एक दिन में सिर्फ जवान को 12 घंटे ड्यूटी करनी है। लेकिन ये सब सिर्फ ऐलान ही थे। आप ये बताइए 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद किस जवान के अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला बचेगा कि वो मेडिटेशन के लिए बैठ पाएगा, कि वो योगा करेगा, वो इससे ज्यादा अपने घर परिवार से बात करेगा, उनकी चिंता सुनेगा, उनके दुख सुनेगा, या वो योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा उस समय में 18 घंटे 19 घंटे ड्यूटी करने के बाद। ड्यूटी का रोस्टर सही से ना लगना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है। लगातार जवानों से जब ड्यूटी करवाई जाती है 12-12, 14-14 घंटे, तो वो कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उस चीज से। अगर हम रोस्टर सही से लगाएं, 6 घंटे की ड्यूटी दें जवान को, उसके बाद दूसरी ड्यूटी 6 घंटे बाद दें, तो कहीं ना कहीं ये तनाव जो है वो कम होगा। और सबसे बड़ी बात, जो रिक्त पद हैं हमारे अर्धसैनिक बलों में, उनकी भरपाई की जाए, यानी कि संख्या बल बढ़ाया जाए अगर इन CAPF में, तो कहीं ना कहीं जो अभी जो सेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं, 2-2 लोगों की ड्यूटी कर रहे हैं, 3-3 लोगों की ड्यूटी अकेले कर रहे हैं, उन पर वो भार कम होगा। इससे हमारा CAPF भी मजबूत होगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी मजबूत होगी, और जो जवान अभी पिस रहे हैं ड्यूटी के चक्कर में या छुट्टी नहीं मिलने के चक्कर में, उन्हें समय पर छुट्टी भी मिलेगी, उनकी ड्यूटी भी कम होगी, और जिस तनाव से वो गुजर रहे हैं शायद वो भी कम हो जाए कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही जवान जो आत्महत्या करते हैं वो कहीं ना कहीं सेना और अफसर, सेना के अफसरों की और अफसरशाही की वजह से आत्महत्या करते हैं, नहीं, कई जवानों का घर की समस्याएं भी होती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो गृह कलेश के कारण भी जवान खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जवान बहुत कम हैं, ऐसे जवानों की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। ज्यादातर में छुट्टी ना मिलना समय पर कोई चीजें काम ना होना, अधिकारियों के सामने सुनवाई ना होना जवान की, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। जब जवान अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां लेकर के एक अधिकारी के पास जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि ये बड़ा अफसर है, ये मेरी सुनेगा, अगर मैं किसी दूसरे अफसर की इससे शिकायत करूंगा, तब उसकी शिकायत ना सुनना, उसके लिए भी उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना, तब कहीं जाकर के इन सारी चीजों को मिला करके एक जवान आत्महत्या के लिए तैयार होता है। और फिर वही होता है, या तो अपने साथियों को नुकसान पहुंचाता है, या वो खुद को नुकसान पहुंचा लेता है, लेकिन देश का नुकसान इसमें सबसे ज्यादा होता है। हम अच्छे प्रशिक्षित जवानों को हर दूसरे तीसरे दिन खो रहे हैं, ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, हर तीसरे दिन एक जवान आत्महत्या कर रहा है, हर तीसरे दिन।
आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा हर तीसरे दिन एक जवान आत्महत्या कर लेता है, हर तीसरे दिन। आप सोचिए, मैंने जो आंकड़े आपके सामने रखे, मैंने जो बातें आपके सामने रखी, ये उन बातों के आधार पर थी जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे। आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा इस मामले में, क्योंकि आपकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।